नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे 6 शेयर्स के बारे में जो कि फाइनेंस सेक्टर के अलग अलग बिजनेस को करता है। और ये सारे जो स्टॉक्स है, मतलब ये सारी जो कंपनियां हैं, इसका बिजनेस लॉन्ग टर्म में बिल्कुल टिकने वाले हैं। मतलब ये सारे बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस सेक्टर में परफॉर्म करने वाले हैं। और ये कंपनियों के बिजनेस आपको आने वाले 20 साल तक में कोई भी इस पे इफेक्ट देखने वाला नहीं मिलेगा। तो क्या इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो इस वीडियो में बात करेंगे इन 6 स्टॉक्स के बारे में, क्या लॉन्ग टर्म में ये आपको कितना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है और कौन सा स्टॉक इसमें से बेस्ट होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। और साथ ही साथ बताना है कि कौन सा आपका बेस्ट लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको कौन सा इसमें बेस्ट लगता है। तो देखिए, सबसे पहला है कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। ये क्या कंपनी क्या करती है? म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। यहाँ पर देखिए, जो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, मतलब कंपनी अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर करती है। ये इन्वेस्टर सर्विस देता है, डिस्ट्रीब्यूशन देता है, एसेट मैनेजमेंट सर्विस। तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे प्रभाव आने वाले समय में आपको देखना है, क्या म्यूचुअल फंड आने वाले समय में, मतलब म्यूचुअल फंड में जो पब्लिक है ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं या कम करने वाले हैं, और इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी कौन सी है, और इस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, क्या ये कंपनी मार्केट में लंबे समय तक टिक पाएगी। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़े और ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो क्या ये टेक्नोलॉजी के रूप में आगे भी परफॉर्म करता रहेगा ये स्टॉक। अभी इसके मार्केट कैप की बात करें, 14,695 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात है, 3,012 रुपीज इसका करंट प्राइस है। और अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें, 0.87% का डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का। और बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, 59% का कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न है। और रिटर्न ऑन इक्विटी है 45% का। तो देख सकते हैं कि दोनों पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात, 31% का मात्र प्रमोटर्स होल्डिंग है, तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद डेट टू इक्विटी बात है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनियां हैं, तो डेट बिल्कुल फ्री है, कोई भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है। रिजर्व की बात है, 421 करोड़ का है। नेट एनुअल प्रॉफिट की बात, 219 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड लग रही है। और कंपनी का जो बिजनेस है आने वाले समय में बढ़ेगा ही, क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक अवेयर होगा हमारे देश में, वो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होगा। अब बात करें यहाँ पर चार्ट का, तो ये कंपनी पिछले साल ही लिस्ट हुई है 2020 के नवंबर में। देखिए यहाँ पर 1200 रुपया इसका प्राइस नीचे आया था, ये लिस्ट हुआ था लगभग 1400 पे, वहाँ से नीचे प्राइस गिर के आया 1260 रुपीज़ के आसपास, और वहाँ से ये लगभग देख सकते हैं ढाई गुना हो चुका है वहाँ से प्राइस। अपने इन्वेस्टर को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। मात्र आप देख सकते हैं 6 से 8 महीने में ये लगभग आपके रुपया को ढाई गुना कर दिया है, और आपका जो रिटर्न हो गया 150 टाइम्स का हो गया, तो मात्र कुछ ही महीनों में। तो इतना बेहतरीन ये स्टॉक अभी रिटर्न दे रहा है, क्या आने वाले समय में देगा उसको देखते हुए आपको इन्वेस्ट करना। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देगा। अगर कंपनी अपने कंपटीटर कंपनी को हमेशा बीट करके रखता है, तो मार्केट शेयर अगर कंपनी का जितना अभी उतना ही बना रहता है, तो भी ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने वाला आने वाले समय में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगता है। उसके बाद दूसरी जो कंपनी है वो है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इस कंपनी के भी कंपटीटर हैं, और ये कंपनी क्या करती है, वही म्यूचुअल फंड और शेयर्स दोनों को अपने डीमैट अकाउंट में रखवाती है और मैनेज करती है सारे इन्वेस्टर के म्यूचुअल फंड और शेयर्स को। और कंपनी के मार्केट कैप की बात है, 10,000 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1000 रुपीज का है। अगर हाई लो की बात करें, मात्र 280 रुपया का लो बनाया था, और हाई बनाया 1064 रुपीज का, अपने हाई के आसपास ही। डिविडेंड यील्ड की बात करें, 0.44% का डिविडेंड यील्ड है, काफ़ी शानदार है। और कंपनी प्रमोटर्स का स्टेक की बात है, मात्र 20% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%। देखिए कितना शानदार है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी 0 है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। तो फंडामेंटली काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। और रिजर्व की बात है ना, 773 करोड़ का है। देखिए हर पैरामीटर्स पर कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। अगर बात करें इसके चार्ट का, तो ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है चार्ट पर पिछले साल से। पहले देखिए ये स्टॉक यहाँ पर लिस्ट हुआ था, थोड़ा सा मोमेंटम देखा, फिर लगातार इसमें गिरावट देखने मिला। 380 रुपीज़ से ये लगभग आधे प्राइस पे ये स्टॉक आ चुका था, फिर 190 रुपीज़ से यहाँ रैली किया, तो अभी 1000 रुपीज़ जा चुका है। तो समझ जाइए कितना बेहतरीन ये स्टॉक है कि अपने इन्वेस्टर के कैपिटल को मात्र एक साल में 5 टाइम्स किया है। तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक में आपको
इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमें लगता है कि आने वाले समय में ये एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको देगा, एक बेहतरीन रिटर्न देगा। आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद अगला जो स्टॉक है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट कैप की बात करें 7,742 करोड़ का है, करेंट प्राइस की बात करें 1,519 करोड़ का है, और डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.97% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.2%। देखिए प्रमोटर स्टेक 0 है, कोई भी प्रमोटर स्टेक मतलब पूरी तरह से ये पब्लिक कंपनी है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, मतलब पब्लिक कंपनी है तो शेयर प्लेज होगा ही नहीं। डेट बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं है। नेट प्रॉफिट 225 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है अभी कंपनी का। रिजर्व 1,367 करोड़ का। सारे पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है आपको। अब देखिए इसके चार्ट की बात करें तो चार्ट पर ये स्टॉक थोड़ा सा वीक दिखाई देता है। देखिए चार्ट पे काफी वोलेटाइल स्टॉक है। यहाँ देखिए 1,586 रुपीज का हाई, फिर वहां से काफी गिरावट होती है और ये लो बनाता है 243 का। देखिए 1,500 से 243 गिर के आ गया। अब यहाँ 243 से फिर स्टॉक हाई बनाता है लगभग 1,300 का, फिर से वहाँ गिरावट होती है काफ़ी ज़बरदस्त 650 रुपीज़ का। 650 रुपीज़ से फिर ये हाई बनाता है 1,800 रुपीज़ का, और 1,800 से फिर से गिरकर ये 1,500 पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो देख सकते हैं काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है और पिछले कई सालों से ये अपने इन्वेस्टर को कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन करने वाला है। क्योंकि इस स्टॉक का जो बिजनेस है वो देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और जैसे जैसे हम मॉडर्न होते हैं उसी तरह से धीरे धीरे कमोडिटी मार्केट जो हमारे ट्रेडर के बीच जैसे पॉपुलर होता है, तो ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगा। ऐसे देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है, मात्र 7,000 करोड़ का कंपनी है, प्रॉफिट 200 करोड़ के ऊपर है। अगर इसका मार्केट शेयर देखें तो 96.48% कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में कंपनी का शेयर है, मतलब इतना परसेंट मार्केट कैप्चर है इस कंपनी के पास, और प्रीसियस मेटल और स्टोन में 100%। तो काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है। और नीचे चलते हैं 22.2% यहाँ पर देखिए एग्री कमोडिटी में है। इस तरह से बहुत ही बेहतरीन कमोडिटी मार्केट में ये कंपनी अपना शेयर रखती है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से कंपनी काफ़ी बेहतरीन करने वाला है। तो आप अगर आप चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हमें तो लगता है ये काफ़ी कंपनी आने वाले समय में बेहतरीन परफॉर्म करने वाली है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। देखिए इस सेक्टर में जो भी स्टॉक हम आपको बता रहे हैं वो किसी न किसी रूप में फाइनेंस सेक्टर में ही अपना बिजनेस करती है। और इस कंपनी का काम क्या है, ये कंपनी जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन बोर्ड से ऑथराइज है पावर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड करने के लिए। जो रिन्यूएबल एनर्जी उसको ट्रेड करता है वो यहाँ पर भेजता है, मतलब बेचती है ये कंपनी पावर के यूनिट को। आप कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बाय कर सकते हैं उसको आप खरीद सकते हैं यहाँ से, और फिर आप उसको फिजिकल फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। तो ये करती है ये कंपनी। आने वाले समय में निश्चित रूप से जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जाने इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड हमारे यहाँ बना रहेगा, तो निश्चित रूप से कंपनी का बिजनेस हमेशा परफॉर्म करने वाला बिजनेस है। मार्केट कैप की बात करें 11,000 करोड़ का है, 393 रुपीज़ करेंट प्राइस है, डिविडेंड यील्ड 0.64% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 60%, रिटर्न ऑन इक्विटी 46%, प्रमोटर्स स्टेक 0, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.02, टोटल डेट की बात करें मात्र 11 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 213 करोड़ का। तो देखिए हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन है। रिजर्व 502 करोड़ का। अब बात करते हैं इसके चार्ट का। देखिए चार्ट पे ये कंपनी पिछले ही साल मतलब 2018 में लिस्ट हुआ और काफ़ी गिरावट हुआ, और पिछले साल से कंपनी का शेयर जो है काफ़ी मोमेंटम किया है, 118 रुपीज से जंप करके ये जा चुका है लगभग 400 पे। तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टरों को, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है जिन्होंने भी 2020 में इन्वेस्ट किया इस कंपनी में। तो आने वाले समय में हमें लगता है ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन करने वाली है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको कौन सा इसमें से स्टॉक अच्छा लग रहा है जो कि आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करेगा वो भी ज़रूर बताइएगा। अब देखिए अगला जो स्टॉक है वो है क्रिसिल। क्रिसिल अभी करेंट मार्केट कैप है 19,000 करोड़ का, और ये कंपनी क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और कंपनी रेटिंग एजेंसी के साथ साथ हाई इंड रिसर्च लार्ज बैंक को प्रोवाइड करती है और लीडिंग कॉर्पोरेट्स को। तो ये कंपनी का मुख्य बिजनेस है,
और कंपनी के मार्केट के अभी मतलब करेंट प्राइस की बात करें 2700 का करेंट प्राइस है, डिविडेंड यील्ड की बात है 1.21% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 37%, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%। और जो भी कंपनी बता रहे देखिए सब के सब डेट फ्री हैं, ये भी डेट टू इक्विटी जीरो है, मतलब बिल्कुल डेट फ्री है। नेट एनुअल प्रॉफिट की बात करें 350 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है, रिजर्व 1305 करोड़ का है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी सॉलिड काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। अगर बात करें इसके चार्ट का, ये कंपनी काफ़ी पुराने लिस्टेड है, तो जब कंपनी काफ़ी पुराने लिस्टेड है तो निश्चित रूप से इतनी अच्छी कंपनी है तो इन्वेस्टर को काफ़ी मालामाल क्या होगा। अभी देखिए 2700 क्रेडिट प्राइस है, कभी इस कंपनी के शेयर का प्राइस मात्र 21 रुपीज़, मतलब 25-21 रुपीज़ के आसपास था, तो वहाँ से ये 100 टाइम्स का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। तो ये कंपनी चार्ट पे भी काफ़ी सॉलिड दिख रही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से 2016 से ही कंपनी काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा था, इसका शेयर काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था, और यहाँ से देखिए गिरावट होकर के ये 1000 के आसपास पहुँच चुका था इसका शेयर, और वहाँ से फिर से ये बाउंस बैक किया और 2700 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद जो लास्ट शेयर है इस वीडियो का वो है बेसी इंडिया। बेसी इंडिया जिसको हम पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते थे, तो ये लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आ रहे NSE इससे ज़्यादा बेटर है। अगर NSE इंडिया यहाँ पर लिस्टेड होता तो निश्चित रूप से हम कहते हैं आप उसको बाय कर लीजिए, जैसे CDSL काफ़ी बेहतरीन, उसी तरह NSE इंडिया जो है काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो डेरिवेटिव मतलब जो ट्रेडिंग होता है वो NSE पे होता है, तो जो ट्रेडर है वो प्रेफर ज़्यादा NSE को कर रहे हैं, तो इसलिए NSE रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। ऐसे BSE का जो देखिएगा रेवेन्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है, प्रॉफिट भी कम होता जा रहा है, लेकिन अगर लगता है कि आने वाले समय में BSE जो है वो भी ऐसे डेरिवेटिव लाएंगे ट्रेडर के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म लाएंगे जैसा कि NSE कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप BSE के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ कि इसमें जो कंपटीटर है NSE इंडिया वो ज़्यादा बेटर है BSE से, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये पहले ही बता दिया। अगर मार्केट कैप की बात करें मात्र 4300 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस की बात करें 961 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड की बात करें 2.19% का डिविडेंड यील्ड है, अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 7.19% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.8% का है, और प्रमोटर स्टेक 0 है, मतलब ये भी कंपनी पूरी तरह से पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, डेट 0 है, नेट प्रॉफिट 145 करोड़ का है, रिजर्व 2498 करोड़ का है, तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड दिख रही है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट पाते हैं तो देखिए यहाँ पर 2010 में भी 232 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 145 करोड़ का है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो नहीं है। रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है लेकिन कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर पा रही है, और वो सीधा चीज़ जो है आपको चार्ट पे भी देखने मिलेगा। देखिए स्टॉक लिस्टेड हुआ 2017 में, वहाँ से प्राइस लगातार गिरते चला गया और यहाँ पर 280 रुपये का लो बनाया और 280 से फिर से ये बाउंस बैक किया है, मतलब शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने मिला, लेकिन अभी भी अपने जो प्रीवियस हाई है ऑल टाइम का उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। तो इस तरह से ये स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन BSE जो BSE है BSE इंडिया का स्टॉक लिस्टेड है इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये सारे बिजनेस जो है आने वाले 20 साल तक भी परफॉर्म करने वाले हैं। अगर परफॉर्म करता है निश्चित रूप से स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर भी हो सकता है, यहाँ से हो सकता है प्राइस नीचे भी रहे, इसलिए मैंने बता दिया ये स्टॉक भी आपको। लेकिन बाकी जो 5 स्टॉक थे काफ़ी बेहतरीन थे, उसमें से कौन सा स्टॉक आपको काफ़ी फेवरेबल लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे अनुसार CDSL काफ़ी बेहतरीन है, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज भी अच्छा है लेकिन वो अभी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया है, साथ साथ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज वो भी काफ़ी बेहतरीन है, तो CDSL हो गया, MCX हो गया और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो गया, ये काफ़ी बेहतरीन है, और कैम्प्स जो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस वो तो बेहतरीन है ही। तो जो ये स्टॉक्स है वो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, BSE को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इस तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।